इंदौर के भरुआ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती के साथ में अश्लील फोटो वायरल करने को लेकर एक मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस को इसकी पूरी शिकायत की गई है कि इंस्टाग्राम आईडी पर उसके अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अश्लील फोटो अपलोड कर दिए गए हैं, जिस कारण से वह काफी परेशान है। पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज कर लिया है और अब जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल पूरा मामला फिर से एक बार सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो शेयर करने से जुड़ा हुआ सामने आया है। पूरा मामला एडिशनल डीसीपी राजेश दंदोतिया में इसने कहा है कि यहां पर युवती के द्वारा एक सोशल मीडिया के माध्यम से ऐप डाउनलोड कर ली गई थी, जिसके बाद में युवती की परेशानी खड़ी हो गई। बताया जा रहा है कि महादेव ऐप नामक एक एप्लीकेशन को उसने डाउनलोड कर लिया था। युवती का पूरा इंस्टाग्राम और अन्य जो गोपनीय जानकारी थी वह उसके दौरान हैक कर ली गई। अब युवती के फोटो और अश्लील तरीके की जो सोशल मीडिया के जो साइड है वहां पर वह अपलोड करने की लगातार धमकी दी जा रही है। अज्ञात व्यक्ति लगातार रुपयों की डिमांड कर रहा है, जिससे वह परेशान हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया का उपयोग बारीकी से करने की आवश्यकता है। किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी ऐप डाउनलोड करें तो सावधानी पूर्वक इसे चलाना भी चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटना हो सकती है। और यदि आवश्यक ना हो तो किसी भी प्रकार का कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए। हम एक लड़की है जिसके द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी, जिसकी कंप्लेंट की जांच पर से उसे FIR रजिस्टर की गई है। उसमें उसके द्वारा ये बताया गया कि दो एक हरर महादेव और एवेलाई दो इंस्टाग्राम पर आईडी हैं, और भी कई आईडी हैं, लगभग 3-4 आईडी हैं, जिसमें कि उसके फोटो और उसकी जो फर्जी आईडी बनाकर और उसके अश्लील फोटो उसमें सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। तो इस आधार पर और उसके बाद पैसा भी मांगा जा रहा है, अगर पैसा नहीं दोगे तो इनको और वायरल कर दिया जाएगा, ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। तो इस आधार पर थाना भवरकुआ में IPC सेक्शन 292 384 और ITR 67 के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। ये साइबर फ्रॉड का एक मामला है, ये साइबर फ्रॉड के मामले होते हैं। संभवतः किसी के द्वारा अगर लोन ऐप जो इंस्टेंट लोन ऐप होते हैं उसमें कुछ 2,000 या 5,000 इंस्टेंट लोन ले लिया, तो इसके बाद फिर वो लोग लगातार उसमें भयंकर जो 10 times 20 times उसमें इंटरेस्ट लगाकर फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं और पैसा मांगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें यह है कि ये लोग जब आपसे जो ऐप को डाउनलोड कराते हैं तो आपकी जो मीडिया गैलरी का एक्सेस है और जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस है वो उनके पास पहुंच जाता है। फिर वो आपकी मीडिया गैलरी से फोटो और वीडियो निकालकर उनको एडिट कर उनको अश्लील कंटेंट बनाकर और जो कॉन्टैक्ट लिस्ट का जो उन्होंने एक्सेस लिया है आपके फ्रेंड्स को, आपके रिश्तेदारों को, उनको भेजते हैं और वायरल करने की धमकी देते हैं। नहीं, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो फिर इनको हम इनके यहाँ पोस्ट कर देंगे, इनको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो निश्चित रूप से इस तरह का साइबर फ्रॉड है। तो इससे बचने के लिए एक ही उपाय, एक तो इंस्टेंट लोन ऐप है उनको डाउनलोड अनआइडेंटिफाइड सोर्स से बिल्कुल ना करें, प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, और दूसरा किसी भी अननोन ऐप को डाउनलोड न करें, क्योंकि इस तरह के साइबर फ्रॉड की शिकायत बहुत आ रही है। और इसमें बचने के लिए ये अगर सावधानी आपने नहीं ली तो कहीं ना कहीं आपको ब्लैकमेल किया जाएगा और ह्यूमिलेट किया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।